कुछ पाने की हो। हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन फॉर एक्सलेंस। मायसेल्फ प्रीति त्रिवेदी एंड आई एम हियर विद ऑल ऑफ यू फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ एसएससी एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज है मई, तो आज की खास इवेंट है, चलिए देख लेते हैं द हिंदू से। तो यह पहली जो न्यूज हम देखने वाले हैं वो है बच्चों, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर दिया है रीपोलिंग एट 123 बूथ्स आफ्टर स्नैक्स। क्या हुआ था, अभी इलेक्शन चल रहे थे जैसे उत्तर प्रदेश के कैराना में, महाराष्ट्र के और नागालैंड की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो वहां पे क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था कि ईवीएम के साथ में क्या रहते छेड़छाड़ हुई, वीवीपीएटी इनके साथ में छेड़छाड़ हुई थी और इसी के लिए इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड किया जिसके बारे में हम लोग कल बात कर रहे थे और इसके बारे में हमने बताया था कि आप तो पूरा इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आप में से एक बच्चे ने रिप्लाई भी दिया था वीवीपीएटी कहां सबसे पहले लागू हुआ था। तो ये जो था कि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर दिया था, मतलब कि तो उसने ऑर्डर दे दिया कि यहाँ पे जो छेड़छाड़ हुई है तो ये रीपोल कराए जाएंगे फिर से, लखनऊ मुंबई कोहिमा ये कंडक्ट होंगे 7 बजे से 6 PM के बीच में, ठीक है। तो यही था, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं था। तो आप लोगों को बस ये बता रही हूँ कि देश में आखिर चल क्या क्या रहा है, किस तरीके से एक बार जिस चीज पे पैसा खर्च किया जाता है दूसरी बार फिर से उसी चीज पे पैसा खर्च किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो चीज को सही तरीके से एग्जीक्यूट किया ही नहीं गया है और पैसा किसका वेस्ट होता है, हम लोगों का, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखो ये देखो, इधर एयर एशिया के जो सीईओ हैं वो बुक्ड हो गए हैं फॉर पेइंग ब्राइब। ये ब्राइब देने के लिए अब ये जो है एयर एशिया के सीईओ को पकड़ा गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था स्टेरलाइट कॉपर प्लांट, याद रखिएगा इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ पर है, तो तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। तो स्टेरलाइट कॉपर के पास में जो जमीन है ना वो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये जो है इसकी जमीन को वापस लेने का। और बाकी तो इसके बारे में हम लोग डेली न्यूज में पढ़ते हैं कि स्टेरलाइट कॉपर जो है ये वेदांता ग्रुप की एक कंपनी है और ये जो है कुछ जो हमारे पर्यावरण से रिलेटेड नॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं करती है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है इसलिए ये हुआ था। बाकी आपको मैंने ये जो न्यूज एक छोटी सी लिखी हुई है इंडिया पार्क वाले सीज फायर के बारे में, तो ये याद रखना इंडिया पार्क के बीच में जो सीज फायर का हुआ था वो कब हुई थी, समय 2003 में ये संधि हुई थी। तो ये याद रखना कि क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लें, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक छाऊ मास्क है, इसको जीआई फेम मिला हुआ है। जीआई फेम होता है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अब आप लोग पूछते फिर मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, अब आप लोग बताएंगे ये छाऊ जो एक होता है वो एक डांस भी होता है और ये डांस कहाँ का है और इस डांस के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा और फिर हमको बताइएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क का हो गया है कि छाऊ डांस के बारे में आप लोगों को बताना है। और आप लोगों को पता है कि कर्नाटका के सीएम कौन बने थे, एसडी कुमार स्वामी, लेकिन वहां की कैबिनेट अभी तक डिसाइड नहीं हो पाई है और राहुल गांधी जी निकल गए हैं बाहर, मतलब इंडिया के बाहर। तो उसी के बीच में बात चल रहा है कि हम ही कर्नाटका इम्पासिस कंटिन्यूस, उसका जो भी चल रहा है कि कैबिनेट में कौन कौन से लोग होंगे, कैबिनेट को एक्सपेंड कैसे किया जाएगा, वो अभी भी ऐसे ही चल रहा है, कोई उस पर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। तो ये थी न्यूज हमारे फर्स्ट पेज की, और सेकंड और थर्ड पेज में ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है। उसके बाद में ये देखिए, ये जो है कि महाराष्ट्र में डिसाइड हुआ है कि नेचुरल डिजास्टर्स होंगे तो एक इसके लिए कमिटी बनाई जाएगी जो कि इमरजेंसी कंपनसेशन देगी। इसके बारे में अगर पूरा सा डिटेल आता है तो फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, बस ये सोच लीजिए कमेंट के माइंड में ये चला हुआ है। और अगर इसका कुछ योजना बनाते हैं, इसको कुछ नाम देते हैं तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी तूतीकोरिन है, मानसून से ये कह रहा है कि मानसून जो सेट हो गया केरला में 3 दिन पहले ही दस्तक दे सकता है, विंडोज जो हैं वो फेवरेबल हैं। तो ये पूरा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था कि पूरा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी ये तो जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो ये केला का बस फोटो दिया हुआ है और कोई भी ऐसी न्यूज इस पेज से नहीं हमें मिल रही है। उसके बाद में ये देखो सीबीएसई का रिजल्ट आया, इसमें उन्होंने बताया कि 499 आउट ऑफ 500 ये 4 बच्चों ने सेलेक्ट किया, यानी टॉप 1 रैंक, फर्स्ट रैंक जो है वो 4 बच्चों की आई है जिन्होंने 499
स्कोर किए हैं। आज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हमें मिल रहे हैं एडिटोरियल से, तो एडिटोरियल को हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला वाला जो एडिटोरियल है वो है ट्रांजिशन टेस्टर्स। जो लोग और कोई एग्जाम दे रहे हैं जैसे स्टेट लेवल के पीसीएस वगैरह का या यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं या फिर और कोई जैसे असिस्टेंट कमांडर का एग्जाम निकला हुआ था जिन्होंने फॉर्म फिल किया, उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या होता है कि जैसे कि ये है इंडिया और ये है पाकिस्तान, ठीक है। तो अभी पाकिस्तान में 25 जुलाई को इलेक्शन होने वाले हैं फॉर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बता रही हूँ। क्या होता है कि इंडिया में जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर है, जैसे अपने यहाँ 2019 में इलेक्शन होंगे, ठीक है, तो ये नहीं होता है कि पहले सबसे पहले कि नरेंद्र मोदी जो है वो रिजाइन करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर मतलब अगर दोबारा कह लिए फिर उनसे मतलब दिलाया जाए। अगर ये रिजाइन नहीं करते हैं, ये अगर नेक्स्ट टाइम के लिए फिर सेलेक्ट होगा तो इनको ना कोई रिजाइन करना पड़ता है ना कुछ, ये प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो लगातार जो जैसे कहते हैं कि ना एक टाइम पीरियड जो होता है वो लगातार चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे 25 जुलाई को इलेक्शन होने वाले हैं तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे रिजाइन करना पड़ता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये लोग मानते हैं कि जब तक जब इलेक्शन होंगे तो कोई भी जैसे ये अब प्राइम मिनिस्टर हैं तो ये इस पोस्ट का कोई भी फायदा या बेनिफिट ना उठा पाए, ठीक है। मतलब कि ये उनको बेनिफिट ना हो या किसी और तरीके का हो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के हाथ में पूरी पावर होती है, वो हर तरीके से वो अपनी चीजों को मैनेज कर सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा कोई भी पर्सनालिटी मतलब दोनों पार्टियों में से कोई भी रूलिंग पार्टी नहीं है, दोनों ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस वजह से होता है। तो यहाँ पर उस टाइम के लिए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। और सेम यही जो है ये बांग्लादेश में भी है कि वहां पे भी जब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है और उसके 1.5-2 महीने पहले इलेक्शन के और फिर वो इलेक्शन होते हैं। तो यहाँ पर अब बनाया गया है नसीरुल मुल्क को, नसीरुल मुल्क इस समय जो है पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं और ये 25 जुलाई तक रहेंगे। तो इन्होंने अब ये जो आर्टिकल में बात कही गई है वो क्या कही गई है कि यहाँ पे देखो बताया गया है कि नसीरुल मुल्क जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, इनको यहाँ का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। तो कि इनको ये बहुत ही पता, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मामले सुलझाए हैं कोर्ट में। जब बता रहे थे कि यूसुफ रजा गिलानी जिन्होंने नाम सुना होगा प्राइम मिनिस्टर का उस टाइम पे, और प्रेसिडेंट थे परवेज मुशर्रफ, उस समय भी 7 बेंच के उसमें ये थे और इन्होंने जो भी था वो समन जारी किया हुआ था, ठीक है। तो मतलब इनको अपने मतलब बोल्ड अंदाज के लिए जाना जाता है। और लेकिन फिर भी कह रहे जो नेक्स्ट 2 मंथ्स हैं वहां पर इनके लिए जस्टिस जो मुल्क है इनके लिए बहुत सारे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं इनके सामने। लाइक जैसे इनका क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो सब लोग ये मानते हैं पाकिस्तान जो है टेरर का हब है, टेररिस्ट का, तो उसके खिलाफ भी लड़ना है। और फिर इनके अंदर जो है मतलब उनका अपना जो इंटरनल मामला है उसके अंदर भी लड़ना है। उसके बाद में जो वहां की इकोनॉमी है जिस तरीके की, वहां पे क्या हुआ कि अभी जैसे ये जो चाइना पाक कॉरिडोर बन रहा है इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें भी पाकिस्तान ने चाइना से बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ है, तो उसको भी मेंटेन करते रहना हुआ है, नहीं तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ती ही जाएगी और उसे भी कंट्रोल करना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ये बता रहे हैं जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए नासिर मुल्क, जिनको बहुत अच्छा इंसान बोला जा रहा है। तो इनके सामने बहुत सी चुनौतियां हैं और ये तब तक कैसे करते हैं तो इस बारे में डिटेल दिया हुआ था। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट था कि ये जानना कि हमारे यहाँ की पॉलिसी कैसी है और पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का होता है, तो इसलिए मैंने ये आपको पूरा डिटेल आर्टिकल बता दिया, ठीक है। आई होप कि आपको पसंद आया। नेक्स्ट वाला है ग्रीन पोस्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने इंडिया का है, ठीक है। ग्रीन पोस्ट मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को पढ़ना है बायोफ्यूल्स के बारे में, कितने लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा बायोफ्यूल्स क्या होते हैं। अब देखो इन्होंने कहा है कि जो पेट्रोल के प्राइस हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा ही रहे हैं, तो हमें क्यों ना ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि ज्यादातर जो है हमने बताया था आप लोगों को जो भी फ्यूल से रिलेटेड मटेरियल आता है वो बाहर से आया तो क्या आता है, इम्पोर्ट होके आता है, तो उस वजह से कि बाहर से आता है वहां से पहले खरीदा जाता है वो, उसके बाद में टैक्सेस इतने ज्यादा हैं तो उसकी वजह से ना ये और ज्यादा महंगा होता जा रहा है,
क्यों ना इसका कोई ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए कि वो हमारे यहाँ इंडिया में ही बनने लगे। तो ये कैसे बनता है, इसके लिए हमें जरूरत होती है इथेनॉल की। अब आप लोगों को दूसरा ये भी पढ़ना है इथेनॉल क्या होता है, ठीक है। बायोफ्यूल्स के बारे में पढ़िएगा, इथेनॉल की जरूरत होती है। तो अपने यहाँ क्या है कि ये एक बनाने जा रही है इंडियन गवर्नमेंट एक नेशनल पॉलिसी फॉर बायोफ्यूल्स, ठीक है, नेशनल पॉलिसी फॉर बायोफ्यूल्स। और इसको जो कैबिनेट है मोदी गवर्नमेंट के, उसने इसको अप्रूव कर दिया है, ठीक है। अब इस पर बात क्या चल रही है, इसका मेन नोटिकार अभी तक जो इथेनॉल बनता है इंडिया में वो केवल और केवल सुगर केन से बनता है, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो मैं बताती हूँ, इसको चार इसको जनरेशन में डिवाइड किया गया है, वो आप पढ़िएगा अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। जनरेशन वन, जनरेशन टू, जनरेशन थ्री, जनरेशन फोर, ये चार जनरेशन हैं जो इसके सोर्सेज हैं इथेनॉल बनाने के लिए, ठीक है। जैसे लाइक जनरेशन वन में उन्होंने क्रॉप रख दिया, जैसे कि आप ये जितना हमारा वेस्ट होता है लाइक आपका राइस से होता है, वीट से होता है, गेहूं से, वो वाला ये नॉन क्रॉप वाला हो गया, ये हमारा हो गया थर्ड जो हमारे एलेज होते हैं कीड़े मकोड़े, ठीक है। फोर्थ वाले में आता है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। तो मैंने एक ब्रीफ तो आपको लगभग बताई दिया, इससे ज्यादा यही आपको मिलेगा। तो उनसे हमारा बनाया जाता है इथेनॉल। इथेनॉल कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बनता है, फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। और इसका इसके बारे में भी देखो, अब ये आपको पढ़ना है बायोफ्यूल इथेनॉल फर्मेंटेशन। आप अभी तो पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जब हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब आपको पूरा हम डिटेल में बताएंगे, तब आपको पढ़ने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। लेकिन अब हम यहाँ पे एक एक चीज को अभी नहीं समझा सकते। अभी जैसे मैं ये पेपर पढ़ती हूँ ना, तो जो भी वर्ड्स आते हैं तो मुझे समझ में आ जाता है, हाँ इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है। बट मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर आप MFP के साथ में ऐसे ही जुड़े रहे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप भी पेपर की कोई भी न्यूज पढ़ोगे आपको उस वर्ड का मीनिंग पता होगा, 100% ऐसा होगा आपके साथ भी, ठीक है। तो ये था कि यहाँ पर आप पॉलिसी बनाया जा रहा है, इथेनॉल अभी तक अपने यहाँ सुगर केन से बनाया जाता है, ठीक है। अब ये पॉलिसी बनाई जा रही है कि जितना भी वेस्ट है, अब देखो क्रॉप वाला वेस्ट होता है, इसी की वजह से देखो दिल्ली में क्या होता है कि वहां पे जो हरियाणा पंजाब है वहां पे धान का जो भी होता है कि उसका वेस्ट वो जला दिया जाता है उस टाइम, उसकी वजह से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है। पहली चीज ये कि आपको इथेनॉल मिलेगा जिससे आपको पेट्रोल कम होगा, दूसरा आपका पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरी चीज ये होती है कि एक तो बनता है इथेनॉल, दूसरी आपकी बनती है शराब। तो जितने भी सुगर केन वाली फैक्ट्री है ना, तो वो क्या कहती हैं, उनका कहना ये है कि हमें वाइन बनाने के लिए जो है कि हमें ज्यादा वो ज्यादा अच्छे प्राइस मिलते हैं हमें, और ज्यादा कम उसमें टाइम में ज्यादा हमें प्रॉफिट मिल जाता है। इसलिए इन लोगों के लिए भी ऐसी पॉलिसी बनानी है कि इनको सस्ते से सस्ती चीजें मिल जाए। और ये सारी चीजें बनती किससे है, जो हमारे क्रॉप का वेस्ट होता है, ठीक है। जो क्रॉप के वेस्ट से बनाने के लिए कुछ ऐसे पॉलिसी बनाई जा रही, अगर उससे बनना संभव हो जाएगा तो मतलब हमारे किसानों के लिए भी फायदा है, हमारे पॉल्यूशन के लिए भी फायदा है, और हमारा जो इथेनॉल बनेगा तो हमारा पेट्रोल भी अच्छा होगा। इथेनॉल का एक और चीज बता दूं, वो पेट्रोल अच्छा होता है कि बायोफ्यूल्स जिनका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है उनमें नॉइस वगैरह कम होती है। तो इसलिए आपको ये भी पढ़ना है कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ये केमिस्ट्री का है, ठीक है। तो ऑक्टेन नंबर जिसका ज्यादा हाई होता है वो पॉल्यूशन कम करता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमने आपको ये आर्टिकल जिस बारे में था वो मैंने आपको पूरा बता दिया। एक इम्पोर्टेंट डेटा यहाँ से ये निकलता है, कह रहे कि अगर हम 150 करोड़ लीटर अगर इतने भी पेट्रोल की सप्लाई कर लेते हैं तो हमारा नियरली 4000 करोड़ जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसकी बचत होगी। 4000 करोड़ मतलब इतनी की बचत हो सकती है अगर हम 150 करोड़ लीटर जो है ये इथेनॉल की सप्लाई कर पाए। तो इस तरीके से ये दिया हुआ था और इस तरीके से इसके लिए पॉलिसी बनाई गई है जा रही है। और अगर ये पॉलिसी सही से काम करती है तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो कहते हैं कि देखो इन्होंने लास्ट में लिख लिया, अंटिल दैट हैपेंस इंडियाज ह्यूज बायोफ्यूल पोटेंशियल विल कंटिन्यू टू रिमेन लार्जली अनटैप्ड। मतलब जब तक ये पॉलिसी हो नहीं पाती है ना, तब तक जो इसका इंडिया का जो ह्यूज बायोफ्यूल वाला पोटेंशियल है वो वैसी तरीके से दबा हुआ रहेगा जब तक ये पॉलिसी खुल के निकल के सामने नहीं आती है, सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होती है।
तो ये था पूरा आर्टिकल, आई होप कि आपको डाटा का समझ में आया हो। इतने अच्छे लिखा हुआ डाटा इन्हें पोस्ट ट्रुथ हेज, मैंने आप लोगों को इसके डाटा के बारे में भी एक चीज बताई थी और आपको बताया था कि यूरोप में एक बहुत अच्छी पॉलिसी बन रही है डाटा के लिए, जिसमें कि उन्होंने बोला है कि जिस भी कंपनी का द्वारा डाटा इकट्ठा किया जाएगा अगर वो उसका नहीं करती तो 15% जो है उसको देना पड़ेगा शेयर का, या तो फिर अपना टोटल जो उसका ग्लोबल मार्केट होता है उसका 4% जो है वो देना पड़ेगा। तो इस तरीके से इन्होंने इस पे बात की है कि जैसे अपने यहाँ डाटा के बात कर रहे हो कि उसमें तीन चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। पहला है कॉम्पिटेंस, ठीक है, दूसरा है आपका रिलायबिलिटी और तीसरा आपका है ऑनेस्टी। कह रहे हमारे यहाँ पे नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया NSS नेशनल सर्वे सैंपल, ये हमारे यहाँ पे डेटा कलेक्ट करती है, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात, हम आपको हिस्ट्री से एकदम लेके चलते हैं, हम अगर पेपर के अकॉर्डिंग चलेंगे आपको नहीं अभी समझ में आया, हम पेपर की पूरी समरी आपको स्टार्टिंग से बता देते हैं। क्या हुआ कि हमारे यहाँ सबसे पहले जो है आंकड़े या डेटा इकट्ठा करने का काम शुरू किया था पीसी महालोनबिस ने, ठीक है। इनका नाम किसी ने मतलब कि जो लोगों ने इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ा होगा सुना होगा, और फिर किया था सीआर राव जी ने, पीसी महालोनबिस और सीआर राव ने आंकड़े इकट्ठा करने की बात स्टार्टिंग की थी। और फिर हमारे यहाँ एनएसएस जो नेशनल सर्वे सैंपल है ये अभी प्रेजेंट में आंकड़े इकट्ठा करती है। तो इसमें देखो धीरे धीरे संशोधन आया, पहली बार श्री रंगराजन जी ने बोला कि जितनी सारी मिनिस्ट्री हैं जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है या फिर हमारा ये जो व्यापार वाली हमारा मिनिस्ट्री है, ये सारी मिनिस्ट्रीज को एक साथ में बैठ के फिर डेटा को कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है बहुत से लोग होते हैं वो उस डेटा में आ ही नहीं पाते हैं। क्यों, अब इसका प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहली देखो चीज यहाँ पे दी हुई है ऑनेस्टी। क्या होता है कि एनएसएस में नेशनल सर्वे सैंपल ने तो बोल दिया, आपको ऑर्डर दे दिया कि आप लोग जाइए और डेटा कलेक्ट करके लाइए, रिलेटेड टू किसी से भी हो सकता है, मान लो उसको पॉपुलेशन बेस्ड डेटा चाहिए या फिर इंडिया में मतलब कितने टॉयलेट्स हैं उसका डेटा चाहिए या एक्स वाई जेड किसी भी तरीके का। अब जो लोग इस डेटा को कलेक्ट करते हैं वो कितना ऑनेस्टली अपना काम करते हैं इस बात पे भी डिपेंड करता है। जैसे जो राइटर हैं उन्होंने लिखा है कि एक बार वो हेल्थ रिलेटेड एक उसमें गए थे वहां पे चेक करने के लिए, तो वहां पे मलेरिया बहुत ज्यादा फैला हुआ था और उसमें प्रॉब्लम ये थी कि आपको भी हो सकता था, बट कह रहे नहीं मुझे, मैं वहां पे गया था अपना काम करने के, तो मैं जाके वहां पे मैंने अपना सर्वे अच्छे से किया हर एक एक घर में जा करके। तो आप लोग क्या करते हैं जहाँ पे ऐसे गए करने, अब कोई अगर बीमारी है तो लोग वो सोचते हैं हम क्यों जाएं वहां पे, हमारा तो हमें भी बीमारी आ जाएगी। तो ये होता है कि उस काम में ऑनेस्टी कितनी है तब वो डेटा आपके पास में सही तरीके से आ सकता है, ठीक है। रिलायबिलिटी क्या होती है कि आपको सबसे पहली देखो यही प्रॉब्लम हो गई, अब आपको जब डेटा इन्होंने ऑनेस्टी नहीं दिखाई है तो आप बताओ कितना इस पे रिलायबल कर सकते हो कि ये डेटा जो हमें मिले हैं वो सही है। जब तक कि आप ये विश्वास नहीं दिलाओगे लोगों को कि हाँ डेटा सही मिल रहे हैं, सही से काम हो रहा है, इतने हमारे यहाँ पे लोग गरीब हैं, इतने लोग अमीर हैं, आप लोग भी बहुत सारे एग्जांपल देखते होंगे आपके घर में इतने अच्छे खासे अमीर लोग होते हैं जिनके पास ठीक क्या पैसा होता, बट वो बीपीएल कार्ड लिए हुए हैं और उस पता नहीं उसमें जो उनको पता नहीं जो गेहूं चावल जो भी एक्सवाइजर जो भी मिलता है उससे उनका कितना ज्यादा वो पेट भर जाता होगा, बट जो डिजर्व करते हैं वो उनका पेट जरूर भूखा रह जाता है इस चीज से, लेकिन ये सोचने वाले कोई है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीजें देखो रिलायबिलिटी के बाद कॉम्पिटेंस मतलब होता है कि वो कि हमारे पास में क्या मीन्स है, हम कौन से साधन यूज कर रहे हैं, किस तरीके से जाके सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, उस तरीके का कि एक प्रॉपर में डिस्क्राइब करना चाहिए कि हमको लोगों से व्हाट टू आस्क एंड हाउ टू आस्क, मतलब क्या पूछना और कैसे पूछना है कि आपको एकदम करेक्ट जानकारी मिल सके। तो ये पूरा था इस आर्टिकल के बारे में जो कि हमने पूरा एकदम सीक्वेंस से डिस्कस कर दिया, ठीक है। आप जब पेपर पढ़ोगे आपको फैक्ट्स इधर से उधर थोड़ा सा मिलेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, नेक्स्ट वाला आर्टिकल और ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको मजा आने वाला है। मैरीटाइम स्टेट, जितने भी इंडियंस जो हैं जिनको चाइना पसंद नहीं है ना रिगार्डिंग टू उसकी पॉलिटिकल जो नीतियां हैं उसके, तो ये देखिए मैरीटाइम स्टेट
अब क्यों स्ट्रेच आ रही है ये देखो मैं बताती हूँ। अभी आप लोगों को मैंने पहले इसके पहले बता चुकी हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो साउथ ईस्ट एशिया की जर्नी पर हैं। सबसे पहले वो कहाँ पर गए थे, सांग्रीला डायलॉग हमने बताया था जो कि सिंगापुर में होने वाला है। ये सांग्रीला जो है सिंगापुर का एक होटल है, ठीक है, सिंगापुर जाने वाले थे बताया था। उसके बाद कहाँ बताया था, इंडोनेशिया जाने वाले हैं। तो इंडोनेशिया में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी गए हैं तो इंडोनेशिया की सबसे पहली मेन चीज याद कर लेना, कैपिटल हो, माय गॉड, रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी गई है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या, जकार्ता। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे इंडोनेशिया वाले में बहुत ही एक मतलब कि कह सकते हैं कि झगड़े वाला पॉइंट भी हो सकता है, बट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा पॉइंट भी हो सकता है। मान लो कि देखो जैसे हमने ये बना दिया, देखो मेरा मैप अच्छा नहीं है, ये इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये हमारे यहाँ पे ऊपर में चाइना है, ठीक है, और ये हमारा इंडियन ओशियन है, ठीक है, और यहाँ पे एकदम एशिया में आता है हमारा इंडोनेशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट में होगी, तो ये इंडोनेशिया है। अब यहाँ पे क्या कह रहा था कि चाइना जो है अपनी पैठ बनाते जा रहा है इंडियन ओशियन में। आप लोगों ने देखा होगा हमेशा न्यूज में आता रहता है कि चाइना फिर यहाँ पे अपने समुद्र लॉन्च कर रहा है। बाकी हमने भी आपको बताया था कि इसने अपनी एक मैरीन बनाई छोड़ी, ठीक है, पनडुब्बियां वगैरह बनाता रहता है। तो ये यहाँ से क्या होता है कि इसका व्यापार बहुत अच्छा से चलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंडोनेशिया ने क्या किया है, इंडिया को ऑफर किया है कि आप जो है यहाँ पे एक है साबांग ट्रेट, एक मिनट, ये इंडोनेशिया ने इंडिया को ऑफर किया है कि साबांग पोर्ट जो है यहाँ पे आकर के आप अपना काम कीजिए। मतलब ये देखिए आप लोग जब आप लोग मैप देखोगे ना तो ये साबांग जो पोर्ट है ये एकदम जो है मलक्का स्ट्रेट का नाम जिन्होंने लोगों ने सुना होगा, ये मलक्का स्ट्रेट के एकदम माउथ पे है, मतलब एकदम मुहाने पर है, ठीक है, मतलब साबांग पोर्ट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो चाइना है, चाइना का इंडियन ओशन से सीधे देखो डायरेक्ट कनेक्शन ऐसे नहीं है, चाइना को ना छोटे छोटे यहाँ से लूप होल टाइप के मिले हुए कि मतलब रास्ता पतला पतला से निकलता हो, ऐसे एक मलक्का स्ट्रेट है, एक दो स्ट्रेट्स ऐसे भी हैं जहाँ से ये इसको ऐसे ऐसे मतलब रास्ता जमिलता है चाइना को जाने पर, लेकिन ये मलक्का स्ट्रेट जो है सबसे पास में निकलती है। तो ये कह रहे हैं कि अगर मलक्का स्ट्रेट के साबांग पोर्ट को मिल जाता है तो चाइना के जितने भी हम लोग वो उनके मतलब की शिप वगैरह निकलते हैं तो हम लोग उस पर नजर रख सकते हैं। तो ये एक यहाँ पे आप देखो, इसमें हमने आपको एक और बार बताया था SEZ होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। EEZ होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो ये ऑफर कर रहा है कि यहाँ पे आप अपना इकोनॉमिक जोन बनाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये अंडमान निकोबार जो सबसे नीचे है यहाँ से सिर्फ 100 नॉटिकल मील की दूरी पे है। आप लोग कमेंट करके बताओगे एक नॉटिकल मील का मतलब क्या होता है, ठीक है, कितने के बराबर होता है। तो ये जो है इंडिया के इंडोनेशिया ने ये इतना अच्छा किया है यहाँ पे, तो इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी हो रही है बात है। और हुआ क्यों ये, तब देखिए इंडोनेशिया ये एकदम से क्यों कर दिया, पता क्या हुआ है, इंडोनेशिया और चाइना के बीच में ना एक नाटुना सी को लेकर के विवाद चल रहा है। चाइना कह रहा है इस पे मेरा अधिकार है, इंडोनेशिया कह रहा है नहीं इस पे मेरा अधिकार है, कुछ परसेंटेज इनके लिए कुछ उनके लिए, इस तरीके से इस बीच में चल रहा था डिस्प्यूट। तो इस वाली डिस्प्यूट का फायदा यहाँ पे इंडिया को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया और चाइना का भी मतलब आपस में टक्कर चल रहा है, तो इंडोनेशिया इस चीज का फायदा उठाना चाहती है, ठीक है। और इसमें मतलब कि अब ये देखो पॉलिटिकल रूप से तो बहुत बड़ा इश्यू है, ठीक है, जहाँ पे मतलब कि इंडिया को तो फायदा हो रहा है बट इससे इंडिया को कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है उसका भी ध्यान रखना है। तो अब इस पे आगे चलेगा कि देखते हैं हमारी जो मिनिस्ट्रीज हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस पे क्या डिसीजन लेते हैं फाइनल। अभी तो इन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया है साबांग पोर्ट के लिए, ठीक है, इंडोनेशिया ने एक तरीके से कहते हैं ऑफर दिया है, प्रपोजल रखा हुआ है। अब जो इस पे होगा वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होगी, तो मैंने आपको ये एकदम क्लियर बता दिया है। बट इसके लिए ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम लोग अगर इसका ये पहली बात तो यहाँ पे इसको मतलब कि चाइना को 5-6 ही जैसे ये मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे रास्ते इसको मिलते हैं पतले पतले वहीं से ये निकलता है। तो सबसे पहला वाला तो इसका यही हो गया कि जो हम लोग पढ़ रहे थे साबांग पोर्ट, ठीक है,
फिर यहाँ पे एक है, फिर यहाँ पे एक है. सबसे पास में तो पहली बात यही पड़ता है पैसिफिक ओशन जाने के लिए. तो सबसे पहला अगर यहाँ पे ये हम अगर देखो, जब यहाँ पे इसके पास में कब्जा हो जाता है, अगर ये बंद हो जाता है फिर चाइना की मुश्किलें बढ़ जाएंगी. फिर अगर धीरे धीरे किसी ने ये भी बंद कर दिया फिर तो इसका सीधे सीधे व्यापार ही ठप होने लगेगा ना. बट इससे इंडिया को भी, क्योंकि आप किसी के अगर आप किसी के काम में अड़ंगा अड़ाओगे तो जाहिर सी बात है कि वो भी आपको अड़ंगा अड़ाएगा. ठीक है, तो इसलिए अब देखते हैं कि आगे इसका क्या डिसीजन निकलता है. ठीक है, ये तो इधर हमारा इंटरव्यू था, बाकी एलिफेंट डीएसपी को बनाए हुए हैं और कुछ नहीं. ठीक है, बाकी हमने बोला था कि देखो एक और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, गवर्नर ऑफ मिजोरम. मिजोरम के गवर्नर जो हैं वो चेंज हो गए हैं. प्लीज नोट डाउन कर लीजिए. आप लोगों को मैंने इससे पहले बताया हुआ है, जो हमने वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था कि निर्भय शर्मा जो है मिजोरम के गवर्नर हैं, बट अब ये नहीं रहे हैं. अब जो गवर्नर बने हैं वो बने हैं कुमाननम राजशेखर. कुमाननम राजशेखरन जो है अब प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है मिजोरम के. ठीक है, ये कुमार हैं, राज चढ़ गया इनके ऊपर में, केसर तो इनको मिल ही जाएगा जब मेघालय के गवर्नर बन जाएंगे. तो कुमाननम राजशेखरम जो है वो मेघालय के गवर्नर बन गए. नेक्स्ट ये देखिए इंडिया और यूके की जो बात हो रही, मोदी जी बड़े अच्छे लग रहे हैं ना इनके साथ हाथ में लगते हुए, कोई कुछ. चलिए ये हो गया. एक हमने उल्फा वाला भी बताया था थोड़ा सा, एक ना न्यूज में आया है बस, वो लेबर्ड का नाम है. थोड़ा सा उल्फा के बारे में पढ़ लीजिएगा कि उल्फा क्या है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम. वैसे मैंने इसको शायद पहले भी बताया आप लोगों को पढ़ने के लिए, बट आप लोगों ने कमेंट करके बताया नहीं था मुझे. जब आप लोग कमेंट कर देते तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने आपको बताया था, तो आप लोगों ने एटलीस्ट उसको पढ़ लिया है. ठीक है, तो ये थी आपकी इम्पोर्टेंट न्यूज यहाँ तक के पेपरों की. और इधर तो फीफा वर्ल्ड कप ही चलता रहेगा. चलिए ये इधर आपका कंप्लीट हो गया है, बस लास्ट पेज पे देख लेते हैं. लास्ट पेज पे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ मैं कुछ चीजों के बारे में, और वो है आपका AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. AI का फुल फॉर्म याद रखना, बहुत बार ये बैंक क्लर्क के एग्जाम में किसी में पूछा गया था, मैंने देखा था. ठीक है, वैसे मैंने तो बैंक एग्जाम दिए नहीं है ज्यादा, बट मैंने एक बार देखा था किसी ने दिया हुआ था. तो AI का फुल फॉर्म आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होती है कि इसमें जैसे आप लोगों को पता है कि रोबोट, बट रोबोट का क्या होता है कि रोबोट को एक मतलब कंप्यूटर के थ्रू ऑपरेट किया जाता है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ऐसे बनाई जाती है कि मतलब जो रोबोट है ना वो अपने आप से सोचना शुरू कर दे. मतलब उसमें इंटेलिजेंसी भी आर्टिफिशियल आ जाए कि वो अपने आप सोच के करे कि नहीं ये टाइम है 7 बजे हमारे साहब को चाय देने का, तो वो 7 बजे उठ के चाय दे दे आपके. तो इस तरीके से कुछ ऐसा बना रहे हैं. ठीक है, और ग्रेट बैरियर रीफ फेसिंग इट्स टफेस्ट टेस्ट एवर. क्या हो रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया में है ना ग्रेट बैरियर रीफ, पहली बात तो यह ध्यान रख लो कि ऑस्ट्रेलिया में है और इस समय मोस्ट एसिडिक ओशन बनता जा रहा है, बहुत ज्यादा वार्मर होता जा रहा है. तो ये उसका बोल रहा है कि इस समय इसका सबसे बड़ा टेस्ट है. तो चलिए ये था हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए हो. तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए. आज हम लोगों ने एडिटोरियल्स की एनालिसिस बहुत अच्छे से किए क्योंकि आज वही इम्पोर्टेंट था. ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक, फिर क्या करोगे आप लोग, कमेंट, और फिर शेयर कर देना सभी अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जितने भी रिलेटिव्स हैं सबको. रोज रोज ना वीडियो भेज भेज के परेशान कर दो कि वो लोग भी सारा इंडिया के बारे में क्या क्या चल रही है न्यूज ना सारी पढ़ने लगे. ठीक है, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग इट. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट.